अगले महीने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर सभी पार्टियां सीटों के समीकरण के हिसाब से उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन तलाश रहे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बाहुबली और पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि बाहुबली नेता और 5 बार विधायक रहे अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन यूपी के प्रयागराज की इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट से उम्मीदवार होंगी। यह सीट अतीक अहमद का गढ़ मानी जाती है। आपको बता दें कि इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट पर अतीक अहमद को तगड़ा वोट बैंक है। अतीक अहमद एक बार अपने भाई खालिद अजीम को भी यहां से चुनाव जिता चुके हैं। आपको बता दें कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने पिछले दिनों लखनऊ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुई थी। आपको बता दें कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के चुनावी मैदान में आने से समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोटों में सेंधमारी हो सकती है। शाइस्ता परवीन इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट से योगी सरकार की कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में है। कानपुर में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान शाइस्ता परवीन ने सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर सबसे पहले हमला किया था। इस दौरान शाइस्ता परवीन ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया कि वो मुस्लिमों का सिर्फ वोट बैंक समझते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को चुनावी मैदान में उतार कर उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज बीजेपी और विपक्षी पार्टी सपा दोनों के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने अभी इस सीट से अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है। आपको बता दें कि बाहुबली अतीक अहमद फिलहाल जेल में बंद है और लगातार उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल शुरू हो चुकी है, तो देखने वाली दिलचस्प बात ये होगी कि आने वाले समय में क्या खेल होता है।